दोस्तों, जापान भारत के साथ रक्षा साझेदारी का विस्तार करने के लिए इतनी तेजी से काम कर रहा है कि दोनों देशों की कूटनीतिक एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस वक्त भारत और जापान की दो कंपनियों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा फैसला कर लिया है जो कि न कि सिर्फ दोनों देशों के रक्षा संबंध को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इस कदम से जापान भारत को वह तकनीक देना चाहता है जिसकी जरूरत भारत को अभी सबसे ज्यादा है। दरअसल अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने जापान की विशालकाय प्राइवेट ऑपरेटिव कंपनी तोशिबा कॉर्पोरेशन के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है, जिसके तहत ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर लिथियम आयन बैटरी का विकास करेंगे, जिन्हें डिफेंस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा और उनकी यूजेबिलिटी भी दूसरे बैटरीज के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा होगी। दोस्तों, तोशिबा जापान की कुछ सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है जो कि भारत में काफी ज्यादा एक्टिव है। साथ ही इस कंपनी का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत के उभरते सितारे की तरह है, इन दोनों का एक साथ आना वह भी लिथियम आयन बैटरी जैसी महत्वपूर्ण तकनीक को विकसित करने के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे न कि सिर्फ जापान के साथ भारत की एंगेजमेंट बढ़ेगी बल्कि भारत लिथियम आयन टेक्नोलॉजी का विकास काफी जल्दी कर सकेगा। साथ ही इस बात को हम जापान द्वारा पिछले समय में दिए जा रहे बयानों से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसके तहत जापान ने कई बार भारत के साथ सबमरीन और नेवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है, जिसके तहत ये बड़ा कदम हो सकता है कि दोनों देशों की कंपनियां एक साथ मिलकर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत इन लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कहां करेगा। तो फिलहाल इसे लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है किस तकनीक का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। लेकिन अगर सबसे ज्यादा संभावित प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो इन लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हम हमारे P75I प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, जिसके तहत भारत को लगभग 6 पनडुब्बियों की खरीद करनी थी जिन्हें हम स्वदेशी रूप से भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करते। लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन और लिथियम आयन बैटरी के मौजूद न होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में काफी लंबे समय से डिले देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्योंकि भारत जापान के साथ मिलकर लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि अगले कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में भारत इस तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लेगा। साथ ही यहाँ पर यह समझना भी काफी जरूरी है कि आखिर लिथियम आयन बैटरी किसी सबमरीन की क्षमता को कितना ज्यादा बढ़ा सकती है और इससे भारत की नौसैनिक क्षमता पर कितना असर पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात की तरफ ध्यान दे सकते हैं कि कोई भी पनडुब्बी कितने समय तक पानी के अंदर लगातार बनी रहती है, उसे हम उस सबमरीन की एंड्योरेंस कहते हैं। सामान्य तौर पर किसी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की एंड्योरेंस 40 से लेकर 50 दिन के आसपास की हो सकती है, यानी कितने समय के बाद उस पनडुब्बी को रिप्लेसमेंट और सप्लाई के लिए वापस सतह पर आना पड़ता है। लेकिन अगर इन्हीं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को लिथियम आयन बैटरी से अपग्रेड किया जाए तो उनकी एंड्योरेंस में काफी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और एक शक्तिशाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ तो ये पनडुब्बी एक बार में 70 से 80 दिनों तक भी पानी के अंदर रह सकती है। लेकिन बस इतना ही नहीं बल्कि लिथियम आयन बैटरी सबमरीन की रफ्तार में भी बढ़ोतरी करती है, जो कि समुद्र में एक काफी बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना ने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि हम हमारी रिक्वायरमेंट से पीछे नहीं हटेंगे और हमें हर हालत में लिथियम आयन बैटरी के साथ साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम विकसित करना ही होगा, जिसके तहत जापान के साथ मिलकर इस तकनीक में काम करने का हमारा कदम काफी सराहनीय है, जो कि हमारे रक्षा हितों के साथ साथ कूटनीतिक हितों को भी सुनिश्चित करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि अगर हम जापान और भारत के बीच लगातार बढ़ते सैन्य साझेदारी को एक नए सिरे से देखने की कोशिश करें तो यहां पर हमें इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि जापान की नौसेना विश्व की कुछ चुनिंदा नौसेनाओं में से एक है जिसके पास प्रमाणित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस पनडुब्बी मौजूद है, जिसे आज के समय में हम सरयू क्लास सबमरीन के नाम से भी जानते हैं, और ये पनडुब्बियां भारत के P75I के तहत भी काफी अच्छी है। यानी कि इस बात की भी संभावना है कि भारत जापान से इन पनडुब्बियों को खरीद ले, लेकिन ऐसा तभी सिर्फ संभव है जब जापान अपने कानूनों में भारी बदलाव करे और इतने बड़े स्तर की मिलिट्री सेल को अप्रूव कर दे। हालांकि ऐसा होना भी असंभव नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही में जापान ने भारत को यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम का निर्यात किया है और धीरे धीरे जापान अपने डिफेंस इकोसिस्टम को चुनिंदा देशों के लिए उपलब्ध करा रहा है, जो कि भारत के लिए भी काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से भारत और जापान के रक्षा संबंध तेजी से विकसित हो रहे हैं, क्या भारत को P75I के तहत एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम से लैस जापान से 6 सरयू क्लास सबमरीन को लेकर बात करनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत और जापान की लिथियम आयन बैटरी को लेकर डील के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।